Pleasant good morning to one and all. In today's class, we will be doing active and passive voice and with reference to past tense. Okay, which part we have to do first? Past tense. We will take past tense. Present tense we have done, and we will do past tense in today's class. Okay. What is the meaning of past? It shows that an action took place in the past, right? An action took place in the past is called action. है जो past में हुआ है वहां पे हम क्या use करते हैं? Past tense. समझ गए? Past tense. Again, I am telling you what is the structure of past tense as we did yesterday only. Again, I am telling you a letter is written by me. So this is present tense. But I am audible to all. Show me a thumb sign if I am audible. It will be changed like this. How it will be changed into passive voice? Subject becomes object and object becomes subject, right? I wrote क्या लगाएं? Object के according चलना है. What लगाएंगे? क्योंकि हमें अगर object जो है तो आप क्या लगाओगे? फिर तो वर्ब ही है और ठीक है. क्या है इसमें? Letter. He was writing a letter. A letter. Again, I am telling you, it will become subject. Object. जो subject है रखिएगा please. Your camera must be on. Please turn on your camera, बेटा. I can't see. रखिएगा. फिर मैं आपको बता रही. अगर was writing है letter. अब एक तो आया है. जब कभी situation में was writing है तो writing जो क्या लगाते हैं? Being लगाते हैं. And return. Read में हो गया, him में change हो गया, being में change हो जाएगा. Got my point? चलो next करें हम. लिख लो. Have you written, बेटा? Show me your thumb sign if you have written. Do you want me to move to the next slide? Shall I? Okay. Past perfect. Past perfect. Various tenses as or have आता था और perfect में क्या होता है? वो structure हमेशा he subject है, had है, written है, letter है. अब ये change हो जाएगी, change into had. He had written a letter. A letter had. जब has have होता है तो एक चीज का ध्यान. Had been. Again I am telling you. He had been written. Written है. हम क्या कर देते? Main verb change कर देते थे verb की third form में. जब हमारे पास already written by him. फॉर्म आता है. लेटर है. ये क्या हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है. इस चीज का ध्यान रखना. हैज हैव आएगा साथ में भी जो मेन वर्ब बेटा आएगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी. Got my point? So he will be changed into him. Have you understood? हाँ जी समझ आ रही है. प्रभात कुमार तिवारी. Future tense. What is the meaning of future? Future का मतलब क्या होता है? An action will be taken in present. जो एक्शन है कहाँ किस में होगा? वो प्रेजेंट में होगा. प्रेजेंट में होता है, ठीक है ना. अब फ्यूचर इंडेफिनिट बेटा वही चीज है. देखो जरा, आई शैल राइट अ लेटर. अब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया. अगेन क्या है? अ लेटर है. एक एग्जांपल ले रहे हैं. शैल है किसमें चेंज हो जाएगा? शैल जो है शैल विल में चेंज हो जाएगा. विल बी. अब जो ये जो शैल है विल है इनके साथ क्या लग जाएगा? विल बी. Will be written. अब ये main verb है. Write, wrote, written. Passive voice में ये जो verb है वो हमेशा इसके साथ जो verb आएगी वो क्या हमेशा verb की third form ही लगेगी. क्या लगेगी? Verb की third form ही लगेगी. इस चीज का ध्यान देना. बाकी सेम है structure. बाकी जो है structure सेम है. Understood? अब future perfect है. Future perfect में क्या है? परफेक्ट में हैव मिल गया. समझो जब वो चेंज होगा बीन तो लगेगा ही लगेगा. शैल हैव है. शैल हैव किसमें चेंज हो जाएगा? शैल हैव विल हैव और बीन. पास्ट परफेक्ट में हाँ देखो हैव थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. बिल्कुल यूज करेंगे भी पार्ट हम, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है तो हमें इतना वो दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? आप बताइए हमें. है को यूज कि हम बहुत ज्यादा दिमाग लगाएं इस चीज पे कि बहुत की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज हैव हैड ये होते हैं, ये लेते ही थर्ड फॉर्म है। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, कैमरा ऑन होना चाहिए। कोई क्वेरी है पहले बताइए मुझे, रिजॉल्व कर दें आपका इशू। हाँ जी बेटा अब बताइए फ्यूचर परफेक्ट, मैं फिर बता रही हूँ फ्यूचर परफेक्ट जब शेल हैव आ जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट मींस शेल हैव विल बी चेंज, ठीक है जी। किसमें चेंज हो जाएगा? शेल हैव है, विल हैव है, शेल हैव है, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू इट विल बी चेंज इनटू विल हैव, चेंज हो जाएगा। जब जब सपोज कहीं पे भी एक अगर विल हैव आती है ऑलरेडी, ठीक है, तो इतना अगर आपको नहीं भी आता ना तो इतना मत सोचिएगा कि कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी। अ पेन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, पेन को आगे लाए क्योंकि आई शैल बॉट अ पेन, मुझे खरीदना पड़ेगा अ पेन, और साथ में आएगा बीन, फिर आएगा बॉट बाय मी, ठीक है जी। शशिकांत मिश्रा प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, आई कांट सी यू। ओके लिखना चाहते हो, यू वांट टू नो डाउन, लिख लीजिए फ्यूचर का, लिखिएगा बेटा ये लो डेफिनेट का लिख लो, हरी अप लिख लो, यू कैन राइट। अकेला इनडेफिनेट होगा मींस अकेला ही शेल या फिर विल लगा होगा, तो अगर अकेला शेल लगा होगा तो आप इसमें चेंज करोगे, फिर आप विल बी लगाओगे। अगर शेल हैव आएगा तो फिर बीन आएगा, इस चीज का ध्यान रखना बस। टर्न ऑन योर कैमरा विजेंद्र यादव, प्रभात कुमार, खुशप्रीत सिंह, कैमरा ऑन रखिएगा। अभिजीत कुमार, हिमांशु राव, कनिका, वरदान रावत, टर्न ऑन योर कैमरा प्लीज, टर्न ऑन योर कैमरा। हाँ जी लिख लिया, चलो स्टार्ट करिएगा। फ्यूचर परफेक्ट हो गया, शैल वी स्टार्ट? अब देखिए अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अभी तक तो हम सिंपल करते आए हैं ना, अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेरोगेटिव? इंटेरोगेटिव मींस जो क्वेश्चन रेज करता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, जब कोई क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है, ठीक है, यस या फिर नो। अब क्या है सिस्टम देखो, एज है, अभी हम क्या कर रहे हैं प्रेजेंट का करेंगे, अभी हम किसका करेंगे, सिर्फ आज हम प्रेजेंट का ही करेंगे, ठीक है। इज एम आर अगर दिया हो, लाइक इज है, एम है या आर है, फिर बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा, एजेंट आएगा। कैसे ये वर्ब पहले आ गई, साथ में सब्जेक्ट आया क्योंकि इसके साथ सब्जेक्ट आएगा, राइटिंग अ लेटर। अब कैसे चेंज करोगे? ये बीइंग है, इस तरीके से हम इसको चेंज करने वाले हैं। ये जो हमें दिया गया है ये पैसिव का सारा स्ट्रक्चर दिया गया है, इज ही राइटिंग अ लेटर। अब ये कैसे चेंज होगा? इज का इज ही रहेगा स्टार्टिंग में, इज ही राइटिंग अ लेटर। इज क्यों आया पहले, देखो चीज वही है, वही चीज है, वैसे हम उठा लेंगे, इज अ लेटर। अब राइटिंग, जब मैंने बोला था कि आई एन जी बेटा जब भी कभी होता है तो आप क्या चेंज करते हो, आई एन जी को आप बीइंग में चेंज करोगे ना। आई एन जी किस में चेंज हो जाएगा? बीइंग में। क्वेश्चन में इज अ लेटर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है ना, तो ये आगे आ गया बीइंग, बीइंग इधर आ गया, क्योंकि पहले हम लगाते थे इकट्ठा लगा देते, लाइक ही इज राइटिंग अ लेटर। अब हमारा क्वेश्चन फॉर्म में इज पहले आएगा, फिर ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आ गया, और आईएनजी की जगह और इसके बीच में भी, और ये क्या है रिटर्न, ये ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ब की ये राइट रोट रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और ये एजेंट का काम बाय, ये जो बाय है इसका काम करेगा, और हिम है ये जो चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या है, ये जो सब्जेक्ट है ना हम लास्ट में जाके चेंज करते हैं, इज ही राइटिंग अ लेटर। फिर मैं बता देती हूँ एंड करेगा कि लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, अगर लेटर्स होता तो फिर हम लगाते आर लेटर्स बीइंग रिटन बाय हिम, तो हम इस फॉर्म में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि लेटर जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर में है, ठीक है, आईएनजी की जगह पे बीइंग लगा, और वर्ब की ये जो थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा पैसिव में, जब भी कोई चेंज होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाय आएगा जिसके द्वारा काम किया जाता है। तो अब ये जो सब्जेक्ट होता था ना इसमें ये लास्ट में जाके चला गया, ठीक है, बाय हिम। ये सारा स्ट्रक्चर होता है इसका, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करना है इसको। डू डज, अब डू डज वाले कैसे आएंगे देखो, इज अ पेन नीडेड बाय हिम, डज ही नीड अ पेन, डज ही नीड अ पेन। देखो अब मैंने उस दिन भी बताया था ये जो डू और डज, इज एम या फिर आर में चेंज होंगे, डज ही नीड अ पेन। अब हमने क्या चीज देखनी है, लास्ट का देखना है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, क्या भाई ऑब्जेक्ट क्या है। एक की बात हो रही है तो ऑब्वियस है, इजिली लगा दिया। और आईएनजी वगैरह तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, अगर आईएनजी होता वगैरह कुछ भी होता, मतलब अगर इज के फॉर्म में होता तो हम बीइंग लगाते। इसलिए इज अ पेन, नीड क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड थर्ड फॉर्म, इसमें चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज अ पेन नीड है, नीडेड है, फिर लगेगा लगेगा जिसके द्वारा काम किया जाता है। अब ये ठीक है, अब क्या हो रहा है क्वेश्चन वाली फॉर्म में, ये जो डू और डज इज एम आर में चेंज होगा, ये होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फिर वी वर्ब लगेगी, बाय लगेगा, फिर ये हिम आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आया इतना आपको? बताइए मेरे को। पीपीटी बेटा सेंड कर देंगे, अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ ना, सो इसलिए मैं नहीं सेंड कर पा रही हूँ। चलो आज आई थिंक प्रेजेंट का ही बहुत होगा, मैं कोई अभी एक दो क्वेश्चन नोटबुक पे लिखिएगा प्लीज, लिखो। ये नोटबुक पे लिखो जरा। अब देखो डू डज है, या तो इज में चेंज होगा या फिर एम में चेंज होगा, लेकिन यहाँ आर। अब क्या है, डज है, हमने क्या चीज देखी, बुक देखेंगे हम, एक है तो इस ये इज ही आएगा। ठीक है, आज बेटा करिएगा इसको जरा, जल्दी करिएगा। डज ही नीड अ पेन, मीटिंग इज अबाउट टू कम टू एन एंड, हरी अप। डज ही नीड अ बुक, इज ही मेकिंग अ नॉइस, how will you do? Pradhan Rawat, show me your notebook beta, where are you sitting? Notebook दिखाइए जरा अपने, show me। लिख लिया आपने, does he need a book? So this is enough for today's class, rest we will do tomorrow। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।